अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं वली अहद किस्त नंबर 17। वज़ीर सामीन हजरात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। चांद नगर पर खुफोरास तारी था। वली अहद को गए कई दिन हो गए थे। अवाम चिमगोयां कर रहे थे क्योंकि वजीर सल्तनत जाफर ने अपने मनसूबे के ऐन मुताबिक किसी न किसी से ये खबर फैला दी थी कि शहजादा कासिम जगना बन के दरिंदों का शिकार हो चुका और अब लौट कर नहीं आएगा। इस रूफरसा खबर का मतलब ये था चांद नगर पर खोपड़ी सरकार का इख्तदार कायम हो जाएगा। फिर यह अफवाह भी सुनी गई कि अंग्रेजी फौज रियासत की तरफ चली आती है। शाही महल गमो इंदो की तारीखों में डूब गया। मलका बेगम के कानों में भिनक पड़ी तो दिल डूबने लगा। अगर मर्जीना सहारा न देती तो शिद्दत गम और फरते जोब से शायद फर्श पर गिर जाती। इससे कबल गुलियार की शहजादी फौज सुल्ताना की दावत का वाक़ भी अमीरों और सरदारों में मौजू बहस बना रहा, जिसमें मलका बेगम शरीक न हुई थी। फौरन ही वजीर सल्तनत जाफर और वजीर जंग मीर वलीउल्लाह को बेगम महल में तलब कर लिया गया। बूढ़ा राजपूत मुहाफिज सऊ नहायत खामोशी से दीवान दुनियाचंद की तरफ रवाना हुआ था, जो फौरन ही वापस आ गया। जाफर के आने से पहले मलका बेगम ने कसरे सफेद में दीवान रियासत से मुलाकात की। दुनियाचंद खुद बेहद मुतफक्कर और निढाल था, इसने जवाब दिया, मलका हुजूर, सबसे पहले वलीअज़ी शान की खैरियत का पता लगना चाहिए। अगर आप हुक्म दे तो खानाजाद इसी वक्त शहजादा अली का दस्ते खास लेकर जगना बन की तरफ रवाना हो जाए। अभी मलका बेगम ने जवाब ही न दिया था कि साऊ ने मीर वलीउल्लाह के आने की इत्तला दी। वो अकेला ही आया था, इसे भी कसे सफेद में तलब कर लिया गया। मीर वलीउल्लाह ने बताया, साहिब आलम बाखैरियत है, अभी अभी एक वीर सवार इनका पैगाम लेकर आया है। परसों रात वली अहद पर जहर आलूद खंजर फेंका गया, लेकिन वो पहले ही मुहतात हो चुके थे। फिर इसने गद्दार सादिक की खंजर जनी गिरफ्तारी और कत्ल की रुदात सुनाई और बताया कि इसके तमाम जाबाज जो सिर्फ शहजादा अली की हलाकत के लिए साथ भेजे गए थे बांध दिए गए हैं। वली अहद इनका मुकदमा चांद नगर वापस आकर सुनेंगे। भील सवार मीर वलीउल्लाह के साथ ही महल सरा तक आया था। वाकई की तफसील बयान करने के लिए इसे भी मलका बेगम के हुजूर पेश होना पड़ा। इसने तफसील बयान की कि किस तरह बख्तियार मिर्जा ने सादिक के लिए फंदा तैयार किया और वो चूहे की तरह इसमें आ फंसा। दूसरी सुबह वली अहद के हुक्म की गर्दन उड़ा दी गई। फिर उन्होंने वजीर जंग के नाम पैगाम भेजा कि वजीर सल्तनत जाफर की खुफिया निगरानी की जाए और सादिक के कत्ल और जाबाजों की गिरफ्तारी और सीरी की खबर से इसे मालूम न होने पाए। हादसे की तफसील सुन लेने के बाद मलका बेगम ने खुदा का शुक्र अदा किया, मगर सादिक की जुरत और हिम्मत यकीनन किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी और खतरा वजीर सल्तनत जाफर के सिवा और कौन हो सकता था। दीवान दुनियाचंद ने कहा, सादिक को कत्ल करने के बजाय जिंदा रखना चाहिए था ताकि वो असल मुजरम की निशानदेही कर सकता। असल मुजरम हमारे सामने है और वो आता ही होगा। फिर मीर वलीउल्लाह जाफर की गिरफ्तारी की इजाजत तलब की। मलका बेगम किसी गहरी सोच में डूब गई। आखिर इसने जवाब दिया, अब इसकी गिरफ्तारी की साथ नहीं आई, अगर इसे किसी सबूत के बगैर कबल अज़ वक्त पकड़ लिया गया तो बहुत उधम मचाएगा। क्या खबर रेजिडेंट की मार्फत फितना आराय पर उतर आए। कासिम के जुलूस तख्त नशीनी के मौका पर इस किस्म का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। शहजादा इख्तियारात हुकूमत संभाल लेने के बाद खुद इसके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई कर सकेगा। मलका बेगम की राय साहिब और जची तुली थी, मगर चांद नगर में हालात का धारा बड़ी सूरत से अपना रुख बदल रहा था। लोग शकूक व शुबहात में मुबतला थे। मीर वलीउल्लाह का हदायत कर दी गई कि न सिर्फ जाफर की हवेली की कड़ी निगरानी कराएं, बल्कि शहजादी गुलियार पर भी खुफिया पहरे बिठा दिए। इसकी पुरसरार आमद खालिया जिल्लत नहीं। मीर वलीउल्लाह और दीवान दुनियाचंद को मुनासिब हदायत देने के बाद रुखसत कर दिया गया। जाफर ने हाजिरी में बहुत देर लगा दी। वो पूरे एक पहर के बाद किला के गेट में दाखिल हुआ, लेकिन इसके हमरा जाबाजों का पूरा दस्ता था, जिसे भील सिपाहियों ने फाटक पर रोक लिया। जाफर ने भीलों को हुक्म दिया उसके मुहाफिजा ने खास को गुजरने दें, लेकिन ऐसा ना हो सका। फौरन ही साउथ दरवाजे पर पहुंच के इसने वजीर सल्तनत को तवज्जो दिलाई कि वो मलका बेगम के हुक्म पर हाजिर हुआ है, महल सरा में इसे मुहाफिजों की क्या जरूरत है। जाफर दांत कटकटाता चल दिया, लेकिन भीड़ सरदार को कहर और निगाहों से देखते हुए इसने ये धमकी जरूरी दी थी कि चंद ही रोज में शाही महल तो क्या, चांद नगर की रियासत में कोई भील नजर नहीं आ सकेगा और महल सिरा के मुहाफिज भीलों को तो किला के सामने फांसी दी जाएगी। जाफर जब कसर सफेद में दाखिल हुआ तो बेहद बड़ा फोकता था, शायद गुस्सा में इसने कोर्निश के लिए कमर तक झुकना ही मुनासिब न समझा और खड़े ही खड़े रस्मी आदाब बजा लाया। मलका बेगम ने इसके अंदर सरकशी की कबूतर लेते देख लिया। फिर वो गजबनाक आवाज में गरजी, जाफर, क्या तुम अदाब शाही बजा लाने का सलीका भूल चुके या खुद को चांदनगर का हुक्मरान आला समझने लगे हो। जाफर ने चौंक कर देखा, जिसे जैसे किसी ख्वाब से बेदार हुआ हो। मलका बदस्तूर गरज रही थी, तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कोई गैर मुतल्लिक आदमी महल सिन्हा में दाखिल नहीं हो सकता और हमारे हुजूर आने के लिए तुम्हें मुहाफिज दस्ता को हमरा लाने की जरूरत नहीं, फिर पहरेदारों की फौज क्यों लिए फिरते हो, मिलने आए हो या हमें गिरफ्तार कर लो। मलका हुजूर, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी सरजद हुई तो मुआफ़ फरमाइए।
मलका बेगम अभी तक बुराफ्राख्ता थी। इसने खुशनुमा तमीज लहजे में कहा, हमने तुम्हें चंद बातों की वजाहत के लिए तलब किया है, जवाब ठीक ठीक होने चाहिए। जाफर ने सर झुका दिया। मलका बेगम सवाल दोहराने लगी, वलीहद की मौत की खबर किसने उड़ाई? क्या वजीर सल्तनत की हैसियत से जाफर ने इस खबर बद की तहकीक की और वलीहद की खैरत मालूम करने के लिए कोई जरिया इख्तियार किया? अंग्रेजी फौज के चांदनगर की तरफ कूच करने का सबब क्या है? क्या इसने रेजिडेंट को बुलाकर फौरी तौर पर वजाहत तलब की और ये दरियाफ्त किया कि अंग्रेजी फौज आने से और रियासत में दाखिल होने की गर्ज़ो गायद क्या है? क्या इसका फर्ज ना था कि मुमलिकत की सरबराह को इन तशवीशंगेज खबरों से मुतल्ला करता? जाफर नहायत खामोशी से गर्दन झुकाए सुनता रहा। इन मुसलसल इस्तफसारात ने इसे भोगलासा दिया, लेकिन फौरन ही घबराहट पर काबू पा लिया। फिर मुख्तसर तरीन अल्फाज में जवाब देने की कोशिश की। मलका आलिया, वली अहद ईशान के मुतालिक अफसोसनाक खबर सुनते ही मैंने दो जाबाजों को जगना बन की तरफ दौड़ाया। वह आज थोड़ी देर पहले वापस आए और ये इतना लाए कि शुमाली जंगलों में शहजादा अली का कहीं खोज नहीं मिल सका। एक जगह उन्होंने कई इंसानी लाशों के ढांचे देखे थे, शायद वली अहद उनके साथी रहे हों। मैं ये अलमनाक खबर सुनाने आ ही रहा था कि कर्नल क्लोड का पैगाम मिला। इसने भी शहजादा अली के मुतालिक बुरी खबर सुनी और साफ साफ कह दिया कि कुमरी सरकार रियासत के हालात से बेतल्लुक नहीं रह सकती। शायद इसने अंग्रेजी फौजों को तलब कर लिया है। मैंने इसकी वजह पूछी और कर्नल क्लोट ने जवाब दिया, रियासत में अमन अमान कायम करने के लिए अंग्रेजी फौज का दाखिला जरूरी है। नया हुक्मरान कुमरी सरकार की मर्जी और इजाजत के बगैर तख्तनशीन नहीं हो सकता, क्योंकि शहजादा कासिम के अफसोसनाक वफात के साथ चांदनगर से फर्रुख खानदान की हुकूमत का खात्मा हो गया है। मलका बेगम को इसकी खराफा सुनने की ताब न रही। वो गरज कर बोली, बकवास बंद करो और जाकर कर्नल क्लोट से कह दो, अगर अंग्रेजी फौज का एक सिपाही भी रियासत की सरहद पर देखा गया तो रेजिडेंसी का तमाम अमला गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने वजीर जंग मीर वलीउल्लाह को सरहदों की हिफाजत का हुक्म दे दिया है। जाफर पर जैसे बिजली टूट पड़ी, इसे लरजती आवाज में कहा, मीर वलीउल्लाह को हुक्म देने से पहले मुझसे मशवरा तो कर लेना चाहिए था। जरूरत नहीं समझी, मुल्क की हिफाजत के लिए हमें इस किस्म के अहकाम करने का इख्तियार है। फिर भी वलीहद की अदम मौजूदगी में हुक्म ऐलान जंग के मुतरदिफ है, आपको सोच लेना चाहिए इसके बाद हालात क्या रुख इख्तियार कर लेंगे। कहना क्या चाहते हो? अब के जाफर किसी कदर तुर्श लहजे में बोला, क्या आप ऐलान जंग का मतलब नहीं समझती? अंग्रेजी फौजें फौरन रियासत पर यलगार कर देंगी, हम कोंपने सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते। नतीजा जाहिर है, अवध और मैसूर की तरह चांदनगर भी अंग्रेजी अमलदारी में चला जाएगा और तुम्हारा मतलब है हम खामोश रहें? अकलबंदी का तकाजा तो यही है। जाफर कुछ सोचकर बोला, अगर शहजादा मोहसिन किसी हादसे के शिकार हो चुके हैं तो हम अंग्रेजी फौजों की यलगार को रोक नहीं सकते। मलका बेगम का लहजा खुशनुमा तमीज था। तुम सिर्फ हुक्म की तामील करो और रेजिडेंट को हमारे फैसले से आगाह कर दो। अंग्रेजी फौज ने चांदनगर में दाखिल होने की सही की तो रियासत की फौज इसका मुकाबला करने में हक बजानी होगी। बस अब तुम जा सकते हो। जाफर एक लम्हा हैरान और शस्तर खड़ा रहा, उसे झुककर सलाम किया और कमरे से निकल गया। मलका बेगम के इशारे पर साऊ परछाई की तरह इसके पीछे था। वजीर सल्तनत जाफर को यकीन था सादिक का निशाना खता नहीं हो सकता। अगर वार कारी न पड़ सका तो भी सरीउल असर जहर में बुझे हुए खंजर का अदना सा जख्म भी इंसान की हलाकत के लिए काफ़ी था, और वह शहजादा के जिस्म पर मामूली सा जख्म तो बासानी लगा सकता था। यही वजह थी इसने पूरे यकीन एतमाद के साथ वलीहद कासिम की हलाकत की खबर मशहूर कर दी थी। सादिक को हुक्म दिया गया था शहजादे को ठिकाने लगाने के बाद इसके भील सिपाहियों और दूसरे खुदाम को गिरफ्तार करके जंगल में छोड़ दे और अपने जाबाजों समेत खुद किसी तरफ निकल जाए। कमोबेश 15-20 रोज भटकने के बाद चांदनगर वापस आ जाए और दरिंदों से इत्तफाकन बच निकलने की कोई फर्जी कहानी सुना दे। इसकी तजवीज़ के मुताबिक वलीहद का खात्मा यकीनी था, मगर मलका बेगम ने इसके हलाकत की खबर पर मतलब तवज्जो न दी। क्या इसे किसी खास जरिया से कासिम की सलामती का इत्मीनान हो चुका है? यह सवाल यकीनन अहम था और साजिश की कामयाबी या नाकामी इसके जवाब पर मुनहसर थी। महल से निकलकर इसने सीधा रेजिडेंसी का रुख किया। रात का एक पहर गुजर चुका था, मगर खिलाफ मामूर रेजिडेंसी की इमारत में रोशनी हो रही थी, जो इस अमर का सबूत था कि सफारती अमला हंगामी हालात में काम कर रहा है। बर्क रफ्तार कासिद खबर लाए थे कि 5000 और 8000 की दो अंग्रेजी रेजिमेंटें एक के बाद दीगरे चांदनगर की तरफ रवाना कर दी गई हैं, जो सालगिरह की तकरीब से एक दिन पहले सरहद पर पहुँच जाएंगी। कंपनी सरकार ने कलकत्ता हेडक्वार्टर से रेजिडेंट का हुक्म भेजा था। वो वजीर सल्तनत जाफर को हर कीमत पर हाथ में रखे, क्योंकि वही एक ऐसा मोहरा है जिसे चांदनगर की विसाते हुकूमत पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तंबीह भी की गई थी, वलीहद के कत्ल के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जाफर ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है तुम्हें इससे कतई बेतल्लुक और गैर जानबदार रहना चाहिए, और किसी को इस अमर का शुबा भी नहीं होना चाहिए कि कंपनी शहजादा कासिम की हलाकत में दिलचस्पी रखती है। हमें उम्मीद है जाफर इस काम का खुद ही खुशुसलूबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचा देगा।
मगर तुम शाही महल के मामलात से बेखबर नहीं रह सकते। खूब होशियारी से काम करो, चांद नगर पर कब्जा करके इससे बेहतर मौका फिर कभी हाथ ना आ सकेगा। हमने लखनऊ में मुकीम अंग्रेजी फौजों को चांद नगर की तरफ कूच करने के अहकाम सादिर कर दिए हैं, वो वक्त पर पहुंच जाएंगी। वजीर सल्तनत जाफर को हमेशा खुश रखो, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बड़ा कारामद है। अगर इसे ज्यादा से ज्यादा एक या डेढ़ साल के लिए चांद नगर का नवाब बना दिया जाए तो क्या बुरा है, लेकिन शरायत इस किस्म की तय करो कि जरूरत के वक्त इसे फौरन मासूम या बरतरफ किया जा सके। मत भूलो, सियासी और फौजी एतबार से चांद नगर एक ऐसी रियासत है जहाँ से मरहटा इलाके पर पासदानी यलगार कर सकते हैं। कामयाबी के बाद शहजादी गुलियार वाला चक्कर फौरन खत्म कर दो और लड़की को वापस पहुंचा दो। हमारी हदायत के मुंतजर रहो और रियासत के ताज़ा हालात की खबर देते रहो। जाफर को काबू में रखने के लिए रेजिडेंट को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी। शहजादी गुलियार के जरिए साजिश का भयानक माहौल कुछ इस तरह तैयार किया गया था कि जाफर पके हुए फल की तरह खुद ब खुद कर्नल क्लोट की झोली में आ गिरा था। अब तो फकत यूमे जुलूस का इंतजार था जिसमें सिर्फ चंद रोज बाकी थे। कंपनी की बिसात के मुताबिक मामूली से तगैयर के साथ जश्न तख्त नशीनी मुनक्किद होगा। शहजादा कासिम के बजाय वजीर सल्तनत जाफिर अनानी इख्तदार संभाल लेगा। इस तरह कंपनी सरकार की एक दरीना आरजू पूरी हो जाएगी। रेजिडेंसी की इमारत में जाफर का पुरजोश खैर मकदम किया गया। कर्नल क्लोट किसी नई खबर का मुंतजर था, वो जानता था शहजादा की हलाकत की खबर शाही महल में सफ़े मातम बिछा देगी, और यह भी कुछ बेईन ना था बूढ़ी मलका इसी सदमे से जल बसे और सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। लेकिन जाफिर को मुतफक्कर और निढाल देखकर वो चौंक उठा। जाफिर ने तमाम वाकया मनमान बयान कर दिया। मुझे यकीन है सादिक का वार खाली नहीं जा सकता और शहजादा कासिम इस वक्त अपने इंजाम को पहुंच चुका होगा, मगर मलका बेगम का इत्मीनान और सुकून मुझे परेशान किए देता है। कर्नल क्लोट भी हैरान शशतर रह गया। कामयाबी का दारोमदार सिर्फ वली अहद की मौत पर ना था। इसने मलका बेगम की इत्मीनान की यह ताबील बयान की कि हालात से बेखबरी के बजाय खुद एक इत्मीनान है। जब प्रिंस यूम जुलूस पर भी वापस ना आ सका, सारा इत्मीनान सुकून रुखसत हो जाएगा। जाफर भी इस तावील पर मुतमईन नजर आने लगा। फिर किसी ख्याल के तहत यक लख्त इसे उदास हो गया। कर्नल, मैं ये बताना तो भूल ही गया, मलका बेगम ने मीर वलीलों को अंग्रेजी फौज से मुकाबला करने का हुक्म दे दिया है, हालात बिगड़ भी सकते हैं। कर्नल क्लोट के होंठों पर हकारत अमेज मुस्कुराहट बिखर गई। कोई स्टेट ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती। सुल्तान टीपू से बड़ा बहादुर और हमारी गवर्नमेंट का दुश्मन और कौन होगा, मगर ब्रिटिश आर्मी ने इसे भी शिकस्त दे दी। भला चांद नगर की फौज क्या कर सकेगी, अंग्रेज सिपाही इसे एक ही हमला में काट कर फेंक देंगे। कर्नल क्लोट मुतासिब अंग्रेज होने के बावजूद उर्दू जुबान बड़ी रवानी से बोलता था। हिंदुस्तान में इसे कंपनी सरकार की खिदमत अंजाम देते हुए कमोबेश 25 साल का तवील अरसा हो गया था। इस दौरान में फौज के अलावा इसने बाज़ रियासतों में रेजिडेंट की हैसियत से मकरो फरेब के कई खेल खेले थे, जिसे अंग्रेज की इस्तलाह में सियासत कहा जाता है। कई साल से वो चांद नगर में सियासी फ़राइज अदा कर रहा था। इसने मानिखे नजरों से जाफर की तरफ देखा और उसे खुश खबरी सुनाई कि गवर्नर जनरल इस पर बहुत खुश है और कलकत्ता से खास तौर पर हदायत आई है कि हमारे दोस्त जाफर की तख्त नशीनी और ताजपोशी की रस्म ठीक इसी तारीख को अमल में लाई जाए जिस तारीख को शहजादा कासिम इख्तियारात हुकूमत संभालने वाला था, और जो शख्स इसे नवाब तस्लीम ना करे इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। जाफर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कर्नल क्लोट ने फौरन तजवीज़ पेश कर दी कि हम तख्त नशीनी पर मलका बेगम की तरफ से शोरश बगावत का खतरा है। फिर वजीर जंग मीर वलीउल्लाह, वजीर माल दीवान दुनी चंद और सिपा सलार हैदर जंग चूंकि इसके खास आदमी हैं और रियासती फौज इसके हुक्म की पाबंद है, इसलिए जाफर सिर्फ अंग्रेजी फौज पर एतमाद कर सकता है जिसके दुश्मनों के खिलाफ सफ आरा होगी। इसे नवाब की हैसियत में इसे कम अज कम 5000 अंग्रेजी सिपा मुस्तकिल मुलाजिम रखनी चाहिए। जाफर चौंक उठा। हालात अगरचे इस तजवीज़ के मुवैयद थे, क्योंकि अंग्रेज के अलावा इसका और कौन हामी था। इसके बावजूद जाफर चांद नगर को ब्रिटिश आर्मी की छोनी बनाते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन इसके सिवा और चारा भी क्या था। रेजिडेंट ने एक मुआहदा पहले ही तैयार कर रखा था। जाफर नीम रजामंद हुआ तो कर्नल क्लोट ने मुआहदे के कागजात आगे बढ़ा दिए और नया नज़म चलाने की खातिर 2 लाख रुपए की रकम भी पेश कर दी, जो एक साल के बाद 4 लाख की सूरत में से वापस करना थी। जाफर ने वसीम कल्ब मुसवदात पर दस्तखत कर दिए, फिर कहने लगा, मुझे अंग्रेज़ की दोस्ती पर हमेशा फख्र रहेगा, लेकिन इस एजाज के साथ अगर शहजादी फौज सुल्ताना। रेजिडेंट ने फौरन इसकी बात काट ली। मिस्टर जाफर, आप यकीनन खुशकिस्मत हैं, मैंने शहजादी से जिक्र किया और गवर्नर जनरल का इंडिया भी जाहिर कर दिया था। फौजे कुछ सोचती रही, वो नीम रजम नजर आती है, यकीनन चांद नगर की मलका बनना कबूल कर लेगी, लेकिन इस सिलसिले में मुझे ही हाइनस से बात करना पड़ेगी। आखिरी फैसला इन्हीं का होगा, मुझे यकीन है वो भी गवर्नर जनरल की सिफारिश पर इनकार ना कर सकेंगे। कर्नल, क्या ये वाकई मुमकिन है? जाफर का चेहरा फरते मुसर्रत से दमक उठा। कर्नल क्लोट ने मुस्कुराते हुए पुरसुख अंदाज में जवाब दिया, अंग्रेज की डिक्शनरी में नामुमकिन लफ्ज काट दिया गया है। आधी रात के वक्त जब जाफर रेजिडेंस की इमारत से निकलकर सड़क पर आया, वो पूरे मुसर्रत से इसके कदम लड़खड़ा रहे थे।
चंद गुलामों ने रुपयों की थैलियां इसकी फिटन में रख दी और साइस ने घोड़ों को चाबुक दिखा दिया। इसी लम्हे कर्नल क्लोट रात के अंधेरे में उस हवेली की तरफ बढ़ रहा था जिसमें शहजादी गुलियार अपनी निगरान और कुनूजू के हमरा मुकीम थी। शहजादा कासिम को दारुलहुकूमत से निकले पूरे 10 रोज गुजर चुके थे और जश्न जुलूस में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। अंग्रेजी फौजें चांदनगर की तरफ चली आ रही थी और एक इत्तला के मुताबिक वो ठीक 3 रोज के बाद रियासत में दाखिल होने वाली थी। शाही महल पुरिसरार सरगर्मियों का मरकज बन गया था। इस असना में वजीर जंग मीर वलीउल्लाह ने 2 मरतबा फर्रुख नगर की छोनी का दौरा किया। हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र बाज इकदाम किए। बज़ाहिर रियासती फौज ने अपनी छोनी से नकल हरकत नहीं की, लेकिन दरहकीकत कई छोटे छोटे दस्ते रात के अंधेरे में जुनूब मगरब की सरहद की तरफ कूच कर चुके थे, जिनकी रवानगी सीगा रास में रखी गई। जाफर मुतमैन खुश था, शुमाली जंगलों से वलीहद की सवारी अभी तक न लौटी थी, अब वो कभी न लौट सकेगा। जाफर के होंठ पर खुशी रक्स कर रही थी। इसने इंतहाई खुफिया तौर से अपने तख्त नशीनी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए थे। पुराने दोस्त जैमल राय की तरफ भी पैगाम भेज दिया था कि वो इसके जश्न तख्त नशीनी में शरीक होने के लिए अपनी जमीयत को साथ लेकर 1-2 रोज तक चांदनगर पहुंच जाए। अंग्रेजी फौज और रेजिडेंट के बाद चोरों, डाकुओं, राजनों और बटमारों का यही एक ऐसा गिरोह था जिस पर जाफर एतमाद कर सकता था। रेजिडेंट और जाफर के दरमियान मुलाकातें अचानक बढ़ गई थी। आजकल इसकी गाड़ी अक्सर रेजिडेंसी या शहजादी फौजे की हवेली के बाहर खड़ी रहती थी। वो जैमल राय का बहुत बेताबी के साथ इंतजार कर रहा था। चाहता था कि तख्त नशीनी से 1-2 रोज पहले ही जैमल राय के 400-500 आदमियों को महल सरा के इर्द गिर्द मुतय्यन कर दे, ताकि मलका बेगम मुकय्यद होकर रह जाए और किसी से मुलाकात कर सके न बाहर जा सके। इसी तरह दीवान दुनी चंद, मीर वलीउल्लाह, मिर्जा अहमद शुजा और बाद दूसरे मुहब्बाने वतन को भी इनके घरों में महसूस कर देने की तजवीज़ तय पा चुकी थी और ये काम सिर्फ जैमल राय कर सकता था। लेकिन ताज्जुब तो इस बात पर था कि वो अभी तक चांदनगर क्यों नहीं पहुँच सका। शहजादी फौजे सुल्ताना ने पुरसरार खामोशी इख्तियार कर ली थी। जिस रोज से इसने वलीहद कासिम को नीलम नदी के पुल पर देखा और इससे बातें की थी, इसी दिन से कुछ खोई खोई और उदासी रहने लगी थी। शहजादा कासिम का मुर्दाना हुस्नो जमाल दिल पर क़यामत ढा गया था और फौजे सुल्ताना को, जिसे अपनी खूबसूरती पर नाज था, पहले मरतबा महसूस हुआ कि चांदनगर के मीरजादे ने शहजादा कासिम का चर्चा महज इसलिए नहीं किया कि वो रियासत का वली अहद, अजीम बाप का फर्जंद और हुक्मरान खानदान का चश्मे चुराग है, बल्कि शहरत की असल वजह मिसाली हुस्नो जमाल और सांची में ढला हुआ पैकरिश बाप था जिस पर रियासत की मीरजादे मरबिटी थी। इसने वलीयत की आंखों में बिजली किसी चमक को तड़प देखी थी और अब अपने दिल में एक शीरी कसक महसूस कर रही थी। न सिर्फ कर्नल क्लोट बल्कि निगरान ने भी कई मरतबा महसूस किया कि वो उखड़ी उखड़ी सी बातें करने लगती है और बैठे बैठे अचानक गायब हो जाती। यूं मालूम होता था अपनी मर्जी के खिलाफ कोई इंतहाई नाखुशगवार फर्ज अदा कर रही है या जमीन के बजाय फजा में चल फिर रही हो। एक मरतबा गालिबन इसने रेजिडेंट को कमरे से निकाल दिया और बहुत देर तक नाकाबिले फहम अल्फाज में चिल्लाती और शोर मचाती रही। जब इसकी उदेड़ उम्र निगरान ने इसे समझाया कि रेजिडेंट से झगड़ा मोल लेकर वो खतरे से खेल रही है, तो नौजवान हसीना जोशी जज्बात में बिल्कुल दीवानी हो गई। जिसने कहा, तुम भूलती हो माँ, वो खुद आग से खेल रहा है, मेरा एक इशारा इसकी मौत का सामान बन जाएगा। लेकिन बड़ी मीने जैसे तैसे से समझा बुझाकर चुप कराया। फिर शहजादी देर तक बिस्तर पर लेटी रोती रही। इसकी निगरान ने कुछ धमकियां भी दी और नतीजा ये निकला कि दूसरे रोज जब रेजिडेंट मुलाकात के लिए आए तो फौजे सुल्ताना हसबे साबिक इसके इशारों पर नाचने लगी। इसका ये रवैया कुनीसों और खादमों को फहमो शूर से बालातर था। चांदनगर के भी साथी इकतदार पर मोहरे तब्दील होने वाले थे और फौजे सुल्ताना इस इनकलाब से बेखबर या बेतल्लुक ना थी। न जाने इसे अभी और कैसी कैसी भयानक खबरें सुनना थी। रेजिडेंट इसके पास एक अजीबोगरीब फरमाइश लेकर आया। इसने शहजादी को समझाया कि अगर वजीर सल्तनत जाफर इससे इजहार मोहब्बत करे तो इसे मायूस न करे। फौजे सुल्ताना तहय्युरज़ार निगाहों से इसे देखने लगी। बस ये मसलियत है और इसमें कंपनी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। बदकिस्मत शहजादी रेजिडेंट के अहकाम की तामील पर मजबूर थी। इसने कर्नल को मुतमैन कर दिया, कुछ आता है हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद इसे वजीर सल्तनत जाफर के आने की इत्तला मिली और वो इसके इस्तकबाल को आगे बढ़ी। जाफर अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी समझ रहा था। इसे चांदनगर का हुक्मरान बना देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। 1-2 रोज में तख्तो ताज का मालिक बनने वाला था और अब गुलियार की हसीना जमील शहजादी इसकी तमन्नाओं का मरकज बन गई थी। इजहार मोहब्बत के जवाब में इसने गुलियार की हसीना को मेहरबान पाया तो दिमाग लाहूती फजाओं में प्रवास करने लगा। हवेली से निकले तो शहजादी अपनी देराबेज मुस्कुराहटों के साथ इसे दरवाजे तक छोड़ने आई। जाफर की बग्घी हवा में उड़ी जा रही थी। सूरज का बनफशी थाल मगरबी उफक पर सोना बखेर रहा था और दरख्तों की चोटियों पर सुनहरे किरमिजी हाशिए थरथरा रहे थे। ये एक हसीन शाम की आमद थी, शुमाल की खुनक हवा में रुबूदगी का पैगाम लेकर आई थी। घोड़ों ने शाही किला का मोड़ काटा ही था कि जाफर बेसाख्ता उछल गया। बग्घी की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई, हत्ता कि वो रुक गई और साइज घोड़ों की लगामें खींच कर उन्हें पीछे हटाने और रास्ता छोड़ने लगा। जाफर का रंग यकलख्त पीला पड़ गया और खून रुक रुक कर चलने लगा। इसे यूं लगा जैसे अर्श की बुलंदियों से फर्श जमीन पर फेंक दिया गया हो।
क्योंकि इसने जो नज़ारा देखा वो नाकाबिले यकीन था। वलीहद कासिम शिकारी लिबास में मलबूस घोड़े पर सवार और बंदूक पूछ पर लटकाए भील सवारों के आगे आगे चला आ रहा था। इसके अक्कम में मीर शिकार बख्शी और शाही खुद्दाम घोड़े बढ़ाए चले आ रहे थे। बख्शी के पहलू पर पहलू भील सरदार मंसूर काका और मीर मतबख नजर आए, लेकिन बख्तियार दिखाई न दे सका, जो उमूमन वलीहद के पहलू पर पहलू चलता था। गालिबन वो कहीं पीछे रह गया था। दरअसल जगनाबंद से वापसी पर बख्तियार ने ख्याल जाहिर किया था कि हैदरी के बारे में गढ़ी बिक्रम के ठाकुर उदय राव से पूछना जरूरी है, इसलिए वलीहद ने उसे चंद भील सवारों के हमरा गढ़ी बिक्रम भेज दिया और खुद चानगर चला आया। जाफर की निगाहें शहजादा कासिम पर जमकर रह गई थी, मगर इस नजारा से भी ताज्जुब खेज और रूह फरज़ा नजारा एक और था, जिसने जाफर पर लर्जा सा तारी कर दिया। भील सरदार के नेजे पर सादी का कटा हुआ सर था और जंजीरों में जकड़े हुए उदस जाबाज थे, जो सवारों के साथ पाप्यादा लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। इनके जिस्मों पर कपड़ों के बजाय चीथड़े झूल रहे थे, जो गर्दे सफर से हटे हुए थे। चेहरों पर गुबार और होंठों पर पपड़ियां जमी हुई थी। आंखों के गिल स्याह हल्के पड़ गए थे, जिनसे करबो अजियत का इजहार नुमाया था। जिस्म के बाद हिस्सों पर कोड़ों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। यूं मालूम होता था जैसे हुकूमत के फरिश्ते गुनाहगारों को किसी दोजख से निकाल कर लाए हों। ये मुजरम जगनाबंद से चारनगर तक घोड़ों के साथ भागते दौड़ते भील सवारों के कोड़े खाते आए थे। वो सबके सब थकन से चूर और जख्मों की तकलीफ से निढाल हो रहे थे। इनमें कदम उठाने की सकत भी ना थी, लेकिन कोड़ों के खौफ से मजबूरन गिरते पड़ते चल रहे थे। ये दिलखराश मंजर जाफर को बदहवास कर देने के लिए काफी था। इसके नायब खास सादिक का सर, जिसकी जिल्द खुश को डेरे बाहर निकल आए थे, बहुत खौफनाक मालूम हो रहा था। इसने गाड़ी से उतरना चाहा, लेकिन चकरा कर रह गया। आंखों के सामने अंधेरे से लहरा गए। वलीहद की सवारी बिल्कुल करीब आ गई। जाफर ने बसत मुश्किल अपने मुंतशिर होश संभाले, बग्घी से उतरा और अफरा तफरी में कमर तक झुककर कोर्निश अदा करने लगा। वलीहद ने घोड़े की बाग खींच ली, काफिला रुक गया। जब जाफर ने गर्दन ऊपर उठाई, सबसे पहले इसे शहजादा की कहरालू निगाहों का सामना करना पड़ा, जो तीरों की मानिंद इसके सीने में उतरती चली गई। इसने मुए सर से नोके पा तक एक सनसनी महसूस की, फिर इसके खुश होंठ आप से आप लरसने लगे और कपकपाने लगे। खुश आमदीद साहिब आलम, अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए, हम लोग तो आपके लिए बेहद परेशान थे। हमारे लिए परेशान थे, क्यों? शहजादा के अचानक सवाल पर जाफर बोखलासा गया। लड़खड़ाती आवाज में बोला, क्या अर्ज करूँ, चारनगर में हुजूर की जात के मुतालिक तशवीशनाक खबरें उड़ने लगी थी। मैं खुद साहिब आलम की तलाशी जस्तुजु में जंगलों की तरफ जाने वाला था, लेकिन हमें तो जान पड़ता है तुम बग्घी पर सवार शायद कोंपनी बाग की सैर करने जा रहे थे। कोंपनी बाग के जुमैनी अल्फाज ने दोधारी तलवार का काम किया और जाफर कटकर रह गया। इसने संभल कर सादिक के कटे हुए सर की तरफ इशारा किया और मुद्दा से आवाज में मीमिन आया, साहिब आलम, ये सादिक नहीं काजिब था। शहजादे के लहजे में तलवार किसी तुरश थी। हम जगनाबन के आदमखोर को शिकार करने गए थे और ये हमारा शिकार खेलने निकला। इस बदबख ने हम पर खंजरजनी की और गिरफ्तार होकर कैफरी किरदार को पहुंचा। इसके साथी भी गद्दार थे, इनका हाशिया तुम देख रहे हो, बहुत जल्द ये भी अपने इंजाम को पहुंच जाएंगे। जाफर कांप रहा था। हैरत है, मैं सादिक पर बहुत एतमाद करता था, क्या इल्म था ये बदजात आप पर हमला करेगा। इसने खुद ख्वाहिश की थी इसे हुजूर के हमरा भेज दिया जाए। जाफर, थोड़ी देर के बाद हमें महलसरा में मिलो, हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। वली अहद की आवाज में गरज थी। इसने घोड़े को एड़ लगाई और किला के दरवाजे की तरफ चल दिया। भीड़ सवारों ने भी घोड़े बढ़ाए और उनके साथ दो बरगश्ता हिम्मत जाबाज भी लड़खड़ाते कि सटते चल पड़े, जिनके गर्दालूद पांव कंकरों पत्थरों की ठोकरों से जख्मी हो चुके थे। हाथों में जंजीरें और गदरों में तोप थे। जाफर ने हसरत आलूद नजरों से इनकी तरफ देखा और शिद्दत अलम से कांप कर रह गया। सीताम नसीब कैदी सर निहोड़े और बाजुबान खामोशी जाफर पर मलामत करते चुपचाप गुजरने लगे। एक आदमी जिसकी हालत सबसे ज्यादा दिगर को थी और जिसके बदन से खून रिस रहा था, जो ही करीब आया तेजी से इसकी तरफ मुड़ा और फिर इसने अख थू करके थूका और अपने भील सवार के हमरा घिसटता चला गया। जाफर को यूं महसूस हुआ जैसे वो इसके मुंह पर थूक उड़ाता हुआ गुजरा है। इसका बदन गुस्सा के जोश में कपकपाने लगा। दूसरे लम्हे वो फिर बग्घी में आ बैठा और इसके हुक पर साइस ने घोड़ों का रूख रेजिडेंसी की इमारत की समत मोड़ दिया। आन की आन में घोड़े हवा से बातें करने लगे। मौजूद सामीन हजरात, वली अहद की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाकयात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज।